पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क रहा है और सबसे अधिक अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया है और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान है वो 22.4 डिग्री सेल्सियस रामगढ़ में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करें आने वाले जो 4-5 दिन हैं मौसम कैसा रहेगा, तो अभी आने वाले 4-5 दिन जो है मौसम शुष्क रहेगा, ड्राई रहेगा और जो अधिकतम तापमान है उसमें अगले 3-4 दिन में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बढ़ोतरी के बाद अभी भी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ जगह पे अप्रोचिंग 40 टेम्परेचर हो गया है और जो टेम्परेचर थोड़ा सा और 2-3 डिग्री बढ़ेगा तो 40 के आसपास में टेम्परेचर अधिकतर जगह पे पहुंच जाएगा। तो जिस कारण से जो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, थोड़ा सा तकलीफ है जो लोगों को गर्मी से थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, तो लोगों से हम लोग यही सलाह देते हैं कि थोड़ा सा जो अपना दैनिक दिनचर्या है उसमें इसको लेके चलेंगे आप और थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे अपने सेहत को भी लेके। अब बात करते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और ये कल तक में संभावना जताई जा रही है और 10 तारीख में इसके साइक्लोन बनने की भी संभावना जताई जा रही है। जो इनिशियल जो इसका जो मूवमेंट है वो उत्तर पश्चिमी है और उसके बाद में ये थोड़ा रिकर्व होके आपका बांग्लादेश म्यांमार कोस्ट की तरफ बढ़ेगा। अभी में तत्काल में इसको लेकर झारखंड के लिए कोई भी चेतावनी नहीं है, क्योंकि ये जो सिस्टम है एक तो अभी करंटली बंगाल की खाड़ी में दक्षिणी अंडमान सागर के आसपास में बना हुआ है और झारखंड से दूर है और आगे जैसे ही सिस्टम बढ़ेगा उस समय भी झारखंड से थोड़ा सा इसकी दूरी काफ़ी रहेगी, जिस कारण से थोड़े हल्के बादल आपको 12-13 तारीख में बादल झारखंड में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि क्लाउड बैंड कुछ आएगा। बट झारखंड को इसको लेकर अभी तत्काल में कोई वैसी चेतावनी झारखंड को नहीं है और जैसे ही भी आने वाले दिनों में स्थितियां स्पष्ट होंगी वैसे हम लोग मीडिया बंधुओं आम जनता को बतलाएंगे कि क्या स्थिति चल रही है, बट अभी तत्काल में इसका झारखंड पे कोई भी विशेष प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। और झारखंड के लिए बात करें तो टेम्परेचर थोड़ा सा अभी अगले 5 दिनों में थोड़ा सा राइज देखने को मिलेगा और मौसम लगभग साफ रहेगा, कुछ जगह पे हल्का फुल्का आंशिक बादल आ सकता है, बाकी बारिश की अभी कोई वैसी संभावना नहीं दिख रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।